प्राइम मिनिस्टर बलोचिस्तान की जो कि इंडिया गई और उधर जाके उन्होंने कुछ चीजें डिस्कस की, उन्होंने ये तक कह दिया कि पाकिस्तान हमें राइट्स नहीं दे रहा। प्राइम मिनिस्टर मतलब उधर के एस जयशंकर या फिर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें, उनसे भी अपील की कि यूएन के अंदर बलोचिस्तान के राइट्स की बात की जाए, ये चीज उन्होंने डिस्कस की। इस पर पाकिस्तान मीडिया जो है बौखला उठा है क्योंकि बलोचिस्तान के अंदर से ऐसी न्यूज निकल के इंडिया गई है। इस पर आपकी क्या राय है कि ऐसी न्यूज आज से पहले अगर हम देखें तो इतनी ज्यादा वायरल कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई, ना ही किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई दिल्ली से जाके इंडिया पर अंदर बात करना शुरू कर दिया। इस पर आपकी क्या राय है, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा पाकिस्तान पे, क्योंकि साफ साफ आ गया कि पाकिस्तान राइट्स नहीं दे पा रहा बलोचिस्तानियों को। देखिए मैं तो बहुत क्लियर और साफ बोलूंगी और अनम मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि मेरी बातों को आप काटे ना, क्योंकि ये मैं बोल रही हूँ, ठीक है? क्योंकि जब आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि बातों को रखा जा सके तो उसको काट देना ये ठीक नहीं होता है। देखिए पाकिस्तान आज इतने जमाने के बाद, एक्साइल की जो प्राइम मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान से, आज वो कह रही हैं और वहां से नारा निकल रहा है और वहां से लोग फ्लैक्स और झंडा लेकर निकल रहे हैं कि बलोच इज नॉट पाकिस्तान, बलोच जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा ही नहीं है। भाई 75 साल से नींद की गोली खा ली थी क्या? 75 साल से याद नहीं आ रहा था क्या? जब जिन्ना ने भीख में लेकर के पाकिस्तान बनाया था मुसलमानों के लिए, उसने कहा था कि मुसलमान जितने भी हैं वो यहाँ पर बहुत खुशहाल रहेंगे, तो भैया अब क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया है? अब कौन सी आफत आन पड़ी है? देखिए हम सबको पता है कि बलोच एक ऐसी जगह है जहां पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया था और उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ खत्म हो गई पाकिस्तान पूरे बलोच की। वहां पर लोग आज भी कैंसर ऐसे फैला हुआ है जैसे कोरोना नहीं फैला था। वहां पर ऑर्गेन निकाल निकाल करके बिक्री किया जाता था, बहू बेटियों को जिंदा जमीन में दफन किया जाता था, ये तो सबको पता है, सब जानते हैं। बलोच पर जिस तरह की का अफरा तफरी का माहौल, जिस तरह का कहर नाजिल किया है पाकिस्तान की सरकार ने, इससे ऐसा कोई इंसान नहीं है या दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं है जो नहीं जानता है, सब जानता है। आज आप सोचो कि यूएन से लेकर के जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, उन्होंने जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने क्यों पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है? दिस इज द रीजन ना, कि धर्म परिवर्तन से लेकर के छोटी छोटी बच्चियों की शादी से लेकर के वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार से लेकर के बलोच को इतनी इतनी तकलीफ देने से लेकर के आज पाकिस्तान के अंदर भी 2 दिन पहले बम धमाका हुआ है, मस्जिदें तोड़ी गई हैं, अहमदियों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, शियाओं की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, वहाबियों की मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, यहूदियों को ये मुसलमान मानने को तैयार नहीं है, जबकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा तो खुद यहूदी थी। तो आप कौन सा कुरान मानने को तैयार है? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मोहतरमा है बलोच से बैठ करके जो इतनी बातें कह रही हैं, इनको इनको बहुत पहले ये बातें कह देनी चाहिए थी। हालांकि ये 2020 में भी इंडिया का विजिट की थी, इंडिया के हैदराबाद के किसी जगह पर वो आई थी और तब भी उन्होंने काफी रोना गाना किया था, पर उनके उस रोने गाने पर आज भी हिंदुस्तान नहीं आया, कल भी हिंदुस्तान नहीं आया तो, और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान उनकी बातों में आ जाएगा। हालांकि देखिए मुझे एक चीज षड्यंत्र समझ में पाकिस्तान का मुझे आता है और हिंदुस्तान के हर उस व्यक्ति को पाकिस्तान का षड्यंत्र समझ में आता है जो एकदम अखंड हिंदुस्तानी है, जो अटल हिंदुस्तानी है, जो प्रो हिंदुस्तानी है। मैं कहना चाहती हूँ कि बलोच की जो ये जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है एक्साइल की, ये हिंदुस्तान आने के बाद जो पूजा, जो भगवान की जो पूजा कर रही है, ये जो नारियल फोड़ रही हैं, ये जो पूजा, ये जो भगवान के चरणों पर फूल दे रही हैं, ये जो तिलक लगा रही हैं, इससे क्या हम उनको ये मान लेंगे कि ये सनातन और हिंदू धर्म की इज्जत कर रही हैं? मैं तो नहीं मानूंगी, मैं मुसलमान होते हुए भी नहीं मानूंगी और मैं मुसलमान होते हुए इस बात को बहुत चिल्ला कर कहती हूँ और गर्व के साथ कहती हूँ कि गीता से हमें ज्ञान मिला है, रामायण से हमें राम मिला है, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें हिंदुस्तान मिला है, ये मैं बहुत गर्व से कहती हूँ और हमेशा अपनी आवाज को ऊंची करके कहती हूँ इस बात को। तो आज मात्र हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान सर उठाकर रहते हैं,
जहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, बराबरी का दर्जा दिया गया है, जहां पर मुसलमान अपनी बातों को रख सकते हैं। और देखिए 85% हिंदू मेजोरिटी में मुसलमान इतने खुशहाल है, मुसलमान की बहू बेटियां इतनी इज्जत से रह रही हैं, क्योंकि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए हमारा अपहरण नहीं होता है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए हमारा बलात्कार नहीं होता है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसीलिए हमारा 9 साल की उम्र में पीरियड्स के बारे में जानकारी लेकर के शादी नहीं करा दी जाती है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए हम एजुकेटेड और शिक्षित है, हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए सर उठाकर सीना चौड़ा करके हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े पोस्ट पर हम बैठ करके काम करते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसीलिए यूसीसी का सपोर्ट करते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए सर उठा करके जीते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसीलिए अपनी बातों पर अटल रहते हैं, हिंदुओं के बीच में रहते हैं इसलिए अपनी मान मर्यादा और इज्जत के साथ जी रहे हैं, खा रहे हैं, सांस ले रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। ये है फैसिलिटी मुसलमानों को हिंदुओं के बीच में। और आज पाकिस्तान में देखिए वो ब्लूच वो बेचारी रो रही है, गा रही है, मोदी जी को और हिंदुस्तान की सरकार को अट्रैक्ट करने के लिए पूजा कर रही है। भाई सीमा गुलाम हैदर भी हिंदुस्तान आकर के तुलसी मैया को पानी दे दी थी, तो क्या हमने और हिंदुओं ने उसको हिंदू मान लिया? कभी नहीं मानेंगे, जिंदगी में नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का एक संस्कार है कि हर धर्मों को बहुत इज्जत दिया जाता है। मैं बचपन से लेकर के, मेरी उम्र 34 साल हो गई है, मैं यहाँ पर रह रही हूँ, मुझे तो कभी किसी ने नहीं कहा कि नाजी आप हिंदू बन जाइए तभी हम आपकी वफादारी मानेंगे, तभी हम आपकी लॉयलिटी मानेंगे, बिल्कुल नहीं कहा गया है। तो ये जो नौटंकी है, ये जो ड्रामा है, ये हम लोग नहीं मान सकते। मैम आपने कहा है कि आप लोग हिंदुओं में रह के मुसलमान औरतें या जो भी मुसलमान लोग हैं वो खुद को महफूज समझते हैं और महफूज हैं, हिंदू लोग तो यहाँ पर भी है। अभी आपने करंट पीछे एक वाकया देखा होगा और यूट्यूब चैनल पे भी उन्होंने काफी ज्यादा इसको एक्टिव किया, क्योंकि वो खुद भी गए वहां पर जाके, उन्होंने सारी उनकी आबीती सुनी। तो तीन बहन ने जिन्हों कन्वर्टेड किया गया है और उधर पास के जगह पर उनको रखा गया, मारा पीटा गया है, उनको जबरदस्ती कह रहे हैं शादी करो, फिर उसके बाद उनके माँ बाप उनसे जाकर मिले हैं, लेकिन अफसोस की बात कि हमारा कानून उसकी कोई भी वहां पर नहीं चल रही, वहां के स्टेट के अंदर कोई भी पुलिस अंदर नहीं जा सकती उस जगह पर। क्यों मैम, क्या वजूहत है कि वहां पर आप लोग दिल्ले से कह रहे हैं कि मुसलमान वहां पर महफूज है, मुसलमान औरतें आगे बढ़ रही हैं, एजुकेटेड है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के हिंदू आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें 1947 से अभी तक कोई राइट नहीं मिला, ऐसा ही रहना था तो हमें यहाँ पर बुलाया ही क्यों गया, ये क्यों नहीं कहा गया कि आपकी यहाँ कोई जगह नहीं है, आप लोग इंडिया ही रहते 1947 के बाद। तो आज अगर हम देखें तो क्यों, क्या वजूहत है, अगर हम देखें तो हम राइट्स ही नहीं उनको दे पा रहे। और एक और चीज यहाँ पर बहुत सोचने वाली है, जिस तरह से बलूचिस्तान के लोग आज निकले हैं कि राइट्स नहीं दिए जा रहे, हिंदू कम्युनिटी निकल रही है कि राइट्स नहीं दिए जा रहे, और कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें राइट्स नहीं दिए जा रहे। मतलब अगर हम देखें तो 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, आज लोग उठ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि हमें राइट्स नहीं दिए जा रहे, इसका क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आने वाले टाइम में पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया कवर करता है, यूएन के अंदर सुनी जा रही है ये चीजें, तो इस पर पाकिस्तान को क्या इफेक्ट होगा? देखिए जिन्ना से लेकर के शहबाज शरीफ तक पाकिस्तान का बस एक ही काम है, बम गोला बारूद चलाना। और बेनजीर भुट्टो से लेकर के शहबाज शरीफ तक पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ना जाने कितनी बार गुहार लगाई है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मंदिरें तोड़ी जा रही हैं, कहीं 10% हिंदू रहा करते थे पाकिस्तान में, आज 2% भी नहीं बचे हैं। जिस तरह से हिंदुओं को अत्याचारित किया जा रहा है, ऐसा कोई जानवर के साथ भी नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ तो एनिमल राइट्स के भी सेक्शंस हैं, हमारे यहाँ तो एनिमल को भी एक कानूनी राइट्स दिया गया है हिंदुस्तान में, पर पाकिस्तान में इंसान को भेड़ बकरियों की तरह, गाय गोरु की तरह उनको कुचला जा रहा है। ये है पाकिस्तान। देखिए पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, मुसलमान फिरका परस्ती में मुसलमान की मस्जिदें तोड़ रहा है, तो ये है पाकिस्तान। अभी आपने कही कि राइट्स नहीं मिल रहा है और बच्चियों का अपहरण किया जा रहा है, ये कोई नई बात तो नहीं है।
ये तो बहुत पुरानी बात है, 9-9 साल की बच्चियों का अपहरण करके उनका बलात्कार करके निकाह मुत्ता का नाम दिया गया है भैया पाकिस्तान में, कि भाई ये हमको पसंद आ गई है और हमने इससे निकाह किया, हमने शरिया के हिसाब से शादी कर ली है और दूसरे दिन उसको तलाक दे देता है और ये हो गया निकाह मुत्ता। जितनी गंदगी है, जितनी ठरकबाजी है, जितनी गलाजत ये कर सकते हैं, जितनी वल्गैरिटी कर सकते हैं, जितना नीचे गिर सकते हैं अपनी ठरक मिटाने के लिए, अपने सेक्सुअल डिजायर्स को मिटाने के लिए, ये जस्ट एक एरोबिक शरिया का नाम दे देते हैं और वो ठरकबाजी वो पूरा कर लेते हैं उस एरोबिक नाम के पीछे छुप करके। आज कोई बलात्कार करता है तो उसके ऊपर हम 376 लगाते हैं, कोई गैंगरेप करता है तो 376D का सेक्शन इंडियन पेनल कोड लगाते हैं, कोई मोलेस्टेशन करता है तो 354D लगाते हैं, कोई गंदी नजरों से देख करके कोई गंदी बात बोल देता है तो 354D लगा करके हम उसको नॉन वेलेबल सेक्शन पे जेल की सलाखों में भेजते हैं। ये है हमारा हिंदुस्तान, ये है हमारा हिंदुस्तान। आपके यहाँ छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है एक एरोबिक नाम दे करके निकाह मुद्दा, और उसके बाद तलाक हसन, तलाक एहसन, 3 तलाक करके उनकी जिंदगियां बर्बाद कर दी जा रही है। शरिया के नाम पर कन्वर्शन कराया जा रहा है। भाई बंद करो ऐसे कुरान को, अगर कुरान ये बात कहता है तो मत पढ़ो ऐसा कुरान, अगर कुरान आपको इस चीज की अनुमति दे रहा है, और नहीं तो खड़े होकर के पढ़े लिखे जितने भी मुसलमान है वो चिल्लाए कि शरिया के नाम पर यहाँ पर सिर्फ गन मचाया गया है पाकिस्तान में। अभी आपने हिंदू लड़कियों के बारे में कहा कि ये खबर मैंने भी न्यूज में देखी है, क्योंकि काफी जगह वायरल हुआ है कि 3 बच्चियों का अपहरण किया गया और उसके बाद जबरदस्ती ज्यादा से ज्यादा बाप की उम्र, दादा की उम्र के लोगों से उसका निकाह पढ़ा दिया जाता है। यहीं पर देखिए पाकिस्तान की पार्शियलिटी और गिरगिट जैसा रंग देखिए अनामाप, कि जब हिंदुस्तान से अंजू गई है वो हजबुल्ला नार, क्या नाम है उसका मुझे पता भी नहीं है, उसके पास तो उसको उसको उसकी तो लॉटरी लग गई है भैया, उसको तो पाकिस्तान, जहां पर पाकिस्तान की आवाम आटे आटे के लिए तरस रही है, खाने के लिए तरस रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है। आप लोग खुद अभी गए थे आजाद कश्मीर, वहां पर आप लोगों ने इतना बाइट लिया, लोगों से उसकी राय ली, सब रो रहे थे, एक भी तो खुश नहीं था। आप डिनाई कर पाइएगा इस बात को, क्योंकि आपके कैमरे में कैद हुआ है भाई, सारे के सारे लोग रो रहे थे। तो अंजू को, अंजू जब चली गई है तो उसको भाई फ्लैट मिल रहा है, उसको बंगलो मिल रहा है, उसको उसको दुबई का ट्रिप मिल रहा है, उसको हज करने का ट्रिप मिल रहा है। तो भाई हिंदुस्तान की हिंदू लड़की को बुला करके आप इतनी इज्जत दे रहे हैं, और आपकी सरजमीन पर पाकिस्तान के हिंदुओं को आप भेड़ बकरियों की तरह कुचल रहे हैं, क्यों? देखिए पाकिस्तान ने हमेशा हमेशा सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म माइंड से ही खेल खेला है, इसके अलावा इंसानियत बोल करके पाकिस्तान में नहीं है। और मुझे लगता है कि अगर ये कुरान से उन्होंने पढ़ा है तो नहीं पढ़ना चाहिए अब ऐसा कुरान। मैं पाकिस्तानी स्टेट से जितने भी मतलब आवाजें आ रही हैं हिंदुस्तान के लिए, वो क्यों, क्या वजूहात है, हिंदुस्तान पर ही क्यों नजर आ रहे हैं, नजर क्यों डाल रहे हैं, हिंदुस्तान से अपील क्यों की जा रही है, क्या वजूहात है, क्या हिंदुस्तान के आज डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी और इस तरह की चीजों को देखते हुए वो ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिला किया जाए ताकि उनको भी ये सब कुछ मिले। नहीं देखिए, ये सीमा गुलाम हैदर जाखरानी कबीले की जो बेटी थी वो हिंदुस्तान आई, वो फेल हो गया। उसके बाद अंजू को किसी भी तरीके से ट्रैप करके बुलाया गया, बहुत कुछ दिखाया गया, वो फेल हो गया। जयपुर से एक और लड़की को एक लाहौर का लड़का ट्रैप करके बुला रहा था, वो हमारी सुरक्षा एजेंसी और पुलिस डिपार्टमेंट ने उसको भी फेल कर दिया। इसके अलावा महाराष्ट्र से एक ISI एजेंट डॉक्टर था, 10 सालों से पुणे में रह रहा था, वो अरेस्ट हो गया, वो फेल हो गया। उसके बाद जितने भी और भी लोग थे, 21 जुलाई 2023 को इस्लामिया आपके अलीगढ़ इस्लामिया यूनिवर्सिटी से 2 लड़का मुसलमान था, वो ISI एजेंट था, वो स्लीपर सेल रेडी कर रहा था, उसको भी NIA ने अरेस्ट कर लिया। तो जितना भी खुराफात और जितने भी लोगों को पाकिस्तान भेज रहा है उसको कंटिन्यूसली लाइन से हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसी और हिंदुस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट उसको अरेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब एक बलोच का एक नया तुम्बा छोड़ा गया है, बलोच नाम का एक महिला का को रोने गाने का एक तरीका दिया गया है कि किसी भी तरीके से वो सट जाए, वो जुड़ जाए,
तो इसके बाद फिर अब तो हम अजमल कसब वाला एपिसोड दोबारा करेंगे, बस कैसे भी करके, क्योंकि हिंदुस्तान अभी बहुत तरक्की कर रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान इसरो जैसे काम पर कर रहा है, हिंदुस्तान चंद्रयान 3 कर रहा है, हिंदुस्तान के इतने सारे योजनाएं आ रही है, हिंदुस्तान सेमिकॉन कर रहा है, हिंदुस्तान सर्वप्रथम है पूरी दुनिया में, रेड कार्पेट भेज रहा है प्रधानमंत्री के लिए, हिंदुस्तान का इकोनॉमिकल ग्राफ इतना अच्छा है, हिंदुस्तान की GDP इतनी अच्छी है, तो ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही है। ये चीजें शहबाज शरीफ को, ISI एजेंट को, टेररिस्ट को, स्लीपर सेल को और हनी ट्रैप वाली लड़कियों को सोने नहीं दे रहा है। एंड दिस इज द रीजन कि एक एक करके कुछ ना कुछ ये लोग कर रहे हैं और हिंदुस्तान उस फुलझड़ी पर पानी डालते जा रहा है एकदम बड़ी बड़ी इज्जत से और बड़ी बड़ी मतलब खामोशी के साथ। अच्छा ये ISI एजेंट, ओके चलो पानी ढालो। अच्छा एक आलू बम फोड़ा, चलो पानी ढालो। अच्छा एक फुलझड़ी फोड़ी, चलो पानी ढालो। अच्छा एक सुतली बम छोड़ा, चलो पानी ढालो। हम वो कर रहे हैं, हम समझ रहे हैं सब कुछ, हमको सब कुछ समझ में आ रहा है, पर हम शांति से, क्योंकि हमारा फोकस जो है, भारत के प्रधानमंत्री का फोकस जो है वो थर्ड टर्म में तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक्स में इस हिंदुस्तान को लेकर के आना है, इस पूरी दुनिया में थर्ड पोजिशन में इकोनॉमिक को लेकर के आना है, हमारा फोकस इतना है और उस फोकस में हमें कोई भी भटका नहीं सकता है, क्योंकि ये मौन मरक की सरकार नहीं है, ये सरकार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार है। यहाँ वो नहीं चलेगा जो चल गया। बिल्कुल सही मैम, आपने जिस तरह से बात की है चंद्रयान 3 की, तो मैं इसरो से रिलेटेड भी कुछ सवालात आपसे करना चाह रही हूँ। अभी हम देखते हैं चंद्रयान 3 जहाँ पर मिशन कंप्लीट हुआ और बहुत ज़्यादा सराहा गया, दुनिया भर में उसको तारीफ के काबिल समझा गया, वहाँ ही इसरो की जानिब से देखते हैं कि इसरो लॉन्च की है इसरो ने 7 सैटेलाइट्स सिंगापुर के लिए। तो हम देखते हैं कि इसरो अगर अपने ही मुल्क को संवार रहा है, चीज़ें बना रहा है, अपने ही मुल्क के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है, दूसरी जाने को दुनिया भर के लिए भी कर रहा है, सिंगापुर के लिए 7 सैटेलाइट्स, यहाँ हम देखते हैं स्पार्को एक सैटेलाइट अपने बलबूते पे नहीं बना पा रहा, लेकिन इसरो सिंगापुर के लिए भी 7 सैटेलाइट्स बना चुके, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, ठीक है, एक फिर से माइलस्टोन, एक ही साल में चंद्रयान 3 और उसके बाद फिर 7 सिंगापुर सैटेलाइट बाय इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो, टुडे संडे के दिन का ही ट्वीट है भाई, संडे के दिन का ही बातचीत है। ये व्हीकल लॉन्च किया गया था सुबह 6:30 6:30 में संडे के, ठीक है, बहुत खूबसूरत व्हीकल है और हमारे जो इसरो के द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं सतीश जी, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि उन्होंने चंद्रयान 3 के वक्त भी कहा था कि वो रॉकेट को अपने बच्चों की तरह, अपने बेबी की तरह देखते हैं। देखिए जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाते हैं और उनके लिए रेड कार्पेट भेजता है, तो इसकी वजह सिर्फ भाषण नहीं होती है, इसकी वजह होती है कि हिंदुस्तान ने हमेशा बहुत ही इंटेलिजेंट लोगों को दिया है। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से पुकारे जाते थे, अटल बिहारी वाजपेयी इस दुनिया में शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे साहित्यकार में है, उनकी पोइट्री अगर आप पढ़ लीजिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी की, तो आपको लगेगा कि बस एक पन्ने में रुकना नहीं है, ये पूरी किताब को आज ही रात में खत्म कर देनी है, इतनी खूबसूरत जिंदगी सवर जाती है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ पर, विनोय बादल दिनेश, तो ऐसे ऐसे हीरो गुजरे हैं ना, ऐसे ऐसे चंद्रगुप्त मौर्या, गौतम बुद्धा, ऐसे ऐसे लोग हैं ना यहाँ पर जो इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल के हिसाब से हमारे हिंदुस्तान का मुकाबला शायद कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। और आज हिंदुस्तान के इसरो के साथ मिलकर के सिंगापुर ने 7 और बेबीज को लॉन्च किया है और उसको, उस व्हीकल को लिफ्ट किया गया है, बहुत सक्सेसफुल व्हीकल रहा है, ये मिशन अकम्प्लिश्ड हुआ, ऑल 7 सैटेलाइट प्रिसाइसली इनटू देयर इंटेंडेड ऑर्बिट्स एकदम, और उसके बाद फिर उन लोगों ने बहुत बहुत सेलिब्रेट किया है इसको। अच्छा बहुत खूबसूरत अंदाज में सिंगापुर ने और इंडिया ने, दोनों ने एक ट्वीट भी किया था कि थैंक्स टू NSIL इंडिया एंड सिंगापुर फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स। अभी आपको समझ में आया कि जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाते हैं तो बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस की बातें होती हैं, बहुत सारी सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें होती हैं, जो दोनों देशों के प्रोग्रेसिव के लिए बातें होती हैं, दोनों देशों के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए,
दोनों देशों के लिए इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट होना चाहिए। तो ये जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं इसको सक्सेसफुली अब ये दुनिया की नजरों के सामने आ रहा है। अब मैं आपको अनम एक चीज में जरूर बताना चाहूंगी कि पाकिस्तान से तो खैर अब मैं तुलना करूंगी ही नहीं, हर वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब बचपन से सुनते सुनते ना अब मुझे जैसे वो होता नहीं है भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया और जब आता है तो इंसान कहता है चल हट और नहीं सुनना है मुझे, तो पाकिस्तान वो हो गया है। अब वो गधेड़ों की फौज है, गधेड़ों की फौज ही रहेगी। देखिए हमने अग्नि 5 और मुर्मुगांव बनाया था, आपने 9 साल में एक बार भी सुना था कि उसका ऐड किया जा रहा है और जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो बोल रहे हैं कि अब तो हम अग्नि 5 लेकर आ रहे हैं, अब तो हम मुर्मुगांव लेकर आ रहे हैं। नहीं, खामोशी से हमने काम किया, खामोशी से हमने उसको लॉन्च किया और खामोशी से हम रहे। पाकिस्तान की आपकी मंत्री शाजिया मर्री के पेट में दर्द हो गया उसके लॉन्च को सुनकर के, उसके इनॉग्रेशन को सुनकर के, और वो अनाप शनाप बकना स्टार्ट कर दी। तो उसी तरीके से जब हमारा चंद्रयान 3 भी लॉन्च हुआ हम बहुत सेलिब्रेट किए क्योंकि हम अपनी तरक्की पर, हम अपने इम्प्रूवमेंट पे, अपने डेवलपमेंट पे, अपने इकोनॉमिकल ग्राफ पर हम फोकस करते हैं। हमको कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान खा रहा है कि नहीं खा रहा है, पाकिस्तान मर रहा है कि नहीं मर रहा है। हाँ, एक एक तकलीफ होती है कि जिन्ना ने एक पूरे एक बड़ी तादाद में लोगों को बर्बाद कर दिया और जिन्ना के बनाए हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं मजाक या सरकाजम में बोल रही हूँ कि जिन्ना के बनाए हुए 1937 शरिया लॉ को आज भी पाकिस्तान ऐसे पकड़ कर रखा है, ऐसे पकड़ के रखा है जैसे मानो लकड़ी में फेविक्विक लगा दिया गया हो, वैसे पकड़ के रखा है। हालांकि देखिए जिन्ना के बाद जितने भी लोग आए, बेनजीर भुट्टो के साथ जो हादसा हुआ, फिर इमरान खान के साथ जो हादसा हुआ, तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में आना चाहिए कि हमें अब अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना चाहिए, अब हमारे दिमाग से ये सारी चीजें निकालनी चाहिए और अपनी तरक्की पर हमको बिलीव करना चाहिए। पर देखिए नेचर और सिग्नेचर कभी चेंज नहीं होता है और पाकिस्तान वही है, बंदर है गुलाटी मारेगा ही ना, बंदर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो गुलाटी ना मारे, तो बंदर है गुलाटी मार रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, शिक्षा नहीं है ना आपके पाकिस्तान में, शिक्षा नहीं है। मेडिकल कॉलेज बताइए कोई जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, इंजीनियरिंग कॉलेज कोई बताइए जो पूरी दुनिया में मशहूर हो, नहीं है ना। तो जब जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश में तरक्की कहाँ से होगी। बिल्कुल ऐसी है मैम, आपकी सारी बातों से मैं एग्री करती हूँ, डिनाई नहीं करती क्योंकि ऐसा है पाकिस्तान में इस टाइम जो सिचुएशन है। और आज से पहले हम देखें 10 साल 15 साल पहले जब तक मैंने होश संभाल लिया, जो चीजें मैंने देखी हैं उन सब चीजों के यही है कि मतलब पाकिस्तान में वो चीज, वो पॉलिसी, वो चीजें आई ही नहीं जो कि हम दुनिया में देखते हैं। और आज की यूथ दुनिया में देख के खुश होती है कि यार काश पाकिस्तान में भी ऐसा होता। हम भी फखर से कहते भाई पाकिस्तान में ऐसा है, पाकिस्तान में हम पाकिस्तानी हैं, हमारी इज्जत की जाए, तो ऐसा हम लोगों ने देखा ही नहीं। आपने चंद्रयान 3 की बात की है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये न्यूज भी वायरल हुई है जापान के साथ चंद्रयान 4 की तैयारियां की जा रही है मिलके, कमिंग सून उनका मिशन जो है वो चंद्रयान 4 का है। अब जापान इसमें मदद कर रहा है इंडिया की, इस पर कितनी सच्चाई है? और अगर ऐसा होता है तो दुनिया मतलब आज इंडिया पे नजर टिकाए बैठी है, फिर तो कंफर्म है कि रूलिंग इंडिया ही करेगा पूरी दुनिया के ऊपर, जिस तरह से इंडिया टेक के अंदर बहुत ज्यादा ऊपर अपनी ऊंचाइयों को लेकर जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय रहती है? देखिए उस चंद्रयान 4 के बारे में और जापान के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तो हमारी ये नीति कभी रही ही नहीं है कि हम बोले पहले और करे बाद, हमारी ये नीति रही है कि हम करते पहले हैं बोलते बाद। ठीक है, अब आती है बात कि आपने जो कहा कि भाई इंडिया सबसे आगे निकल जाएगा, देखिए जितनी योजनाएं और जितने प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, अभी गुजरात में जो हम लोगों का गिफ्ट और गिफ्ट सिटी और स्मार्ट सिटी पर काम हो रहा है, उस हिसाब से आप देख लो कि विदेश से जितने भी बिजनेस टाई अप हैं वो हमारे कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, 90% प्रोजेक्ट रेडी है, कितने स्ट्रांग हो जाने हैं। उसके बाद आप सेमिकॉन देख लो जो प्रोजेक्ट हुआ, अतिथि देवो भवा बिल्कुल गुजरात में कर दिया मोदी जी ने, और जितने भी बाहर के जितने भी बिजनेसमैन थे और जितने भी ब्यूरोक्रेट्स थे वो आए थे,
और ना जाने कितने बिजनेसमैन ने और कितने ब्यूरोक्रेट्स ने और विदेशी कंट्रीज ने यहाँ पर ऑलरेडी सेमिकॉन पर इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट कर दिया. पूरे प्रोजेक्ट की बात उठ चुकी है, बैंगलोर में 400 मिलियन दिया जा चुका है ऑलरेडी. तो अब सेमीकंडक्टर जैसे जैसे प्रोजेक्ट को हम लॉन्च कर रहे हैं, हम अहमदाबाद में हम ग्रीन फील्ड जैसे स्मार्ट सिटी और गिफ्ट सिटी को हम लॉन्च कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक जिसके हाथ में रहेगा दुनिया उसके हाथ में रहेगी. और भारत के प्रधानमंत्री ने 7 दिन पहले ये बात छाती ठोक करके कहा है कि मोदी जी का 3rd टर्म और हिंदुस्तान 3rd पोजिशन पर इकोनॉमिक. आज हम 5वें पोजिशन पर है और 3rd टर्म में मोदी जी इस हिंदुस्तान को 3rd इकोनॉमिक पोजीशन पर लेकर के आएंगे. और जो जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उस हिसाब से बहुत इजी है, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा. और ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बात कही है जो 90% ऑलरेडी डन हो चुका है, जो 90% वो प्रोजेक्ट पर काम हो चुका है. मैंने कहा ना कि हम करते पहले हैं, बोलते बाद में. बिल्कुल, इसकी एक बड़ी मिसाल है कि जब 5G लॉन्च किया था इंडिया के अंदर, उससे पहले पाकिस्तान ने कहा था हम भाई करेंगे, इंडिया से पहले करेंगे, बट बदकिस्मती फिर एक बार पाकिस्तान पीछे रह गया और हमें 5G नहीं नसीब हुआ. लेकिन इंडिया आज तो 2G वाला भी नेटवर्क नहीं रखती है. वो तो हम लोग का पेशेंस है जो आप लोगों के इस गधेड़े नेटवर्क से भी हम लोग कन्फ्रंटेशन और इंटरव्यू पे बैठ जाते हैं. अदरवाइज आपकी लाइट और आपका नेटवर्क पब्लिक की तो कोई गलती नहीं है. हम जर्नलिस्ट, हम सोशल एक्टिविस्ट की तो कोई गलती नहीं है. हम अब क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में देखिए किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि पूरे पूरे पूरी पूरे देश में हम इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा दे. तो इस पूरे देश को, हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है भाई, बहुत बड़ा देश है. चाइना से ज्यादा पॉपुलेशन हमारे हिंदुस्तान में है. तो सोचिए हाईवेज को जोड़े गए पूरे ग्राम से, पूरे रूरल एरिया से, एक एक गांव खेड़े से हाईवेज को जोड़े गए हैं. एक सोलर